ये सच है कि हमने अभावों, संघर्षों और चुनौतियों के बीच में अपनी यात्रा शुरू की और कुछ पाने के लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने कर्म को अपना धर्म मान के किया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं एक योगी हूँ और एक कर्म योगी हूँ। उसका परिणाम सफलता, समृद्धि, सम्मान, सत्ता, संपत्ति और संबंध, ये ब्रांड, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सच में हमने कभी अपना लक्ष्य नहीं बनाया इन चीज़ों को। हमने ये सब चीज़ें बाय प्रोडक्ट के रूप में, परिणाम के रूप में, कर्म फल के रूप में चीज़ें मिलती हैं। तो बस इतना ही कहूँगा कि आदमी को कोई भी अपना व्यक्ति कर्म करे, और कर्म करने के लिए भगवान ने सबको समान रूप से ज्ञान, समान रूप से शक्ति दी हुई है। एक योगी से उद्योगपति, उद्योग नहीं मानते हैं इसे समाज कल्याण के लिए है, लेकिन बनने का रास्ता कितना कठिन रहा है? इन दोनों में से आपके ज़्यादा करीब कौन सा है? देखिए, मैंने कहा मैं योगी हूँ, कर्म योगी हूँ और राष्ट्र के लिए उपयोगी हूँ। अब इसको कोई कितने शब्दों में कहता है, ये तो क्योंकि सबकी चेतना का स्तर एक जैसा नहीं होता है। मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ, श्रद्धे आचार्य भाषण जी पतंजलि आयुर्वेद के अनपेड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं। मैंने अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, तो जिसको निष्काम सेवा कहा है गीता में, वेदांत में, उस निष्काम सेवा को हम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये समृद्धि सेवा के लिए है, ये जो है पूरा का पूरा व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए है ना। बाबा, आयुर्वेद से पतंजलि एक ब्रांड भी बन गया, क्योंकि पतंजलि का भी एक ब्रांड है, लोग पतंजलि को जानते हैं। गांव में, छोटे बड़े शहरों में नहीं, दूर दराज के छोटे इलाकों में और दुकान भी खुल गए हैं, लोग जाते हैं कि हमें पतंजलि का प्रोडक्ट चाहिए। तो अपने ब्रांडों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पतंजलि किस प्रकार से उपाय करती है, किस प्रकार की, जिससे लोगों का भरोसा उसमें और, मतलब जितना है उससे और अधिक हो? देखिए, तीन चीज़ें हैं। एक है रॉ मटेरियल, चाहे वो फूड है, चाहे वो हर्बल कॉस्मेटिक है, रॉ मटेरियल के अलावा फिर दूसरा ये होता है कि आपके पास में चेक एंड बैलेंसेस, चेक्स हैं हमारे, उसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं हमारे पास, और फिर तीसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपके पास में साइंटिस्ट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है, इच्छा शक्ति, जीरो टॉलरेंस कि कोई चीज़ में कभी कोई समझौता नहीं। तो और हम ऐसी भाव से बनाते ना कि ये जो प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट मैं स्वयं इस्तेमाल करता हूँ, दंत कांति से लेकर केश कांति, शैम्पू, ऑयल से लेकर के। यदि पहले तो मैं अन्न नहीं खाता था, लेकिन अभी मैं अन्न भी सेवन करता हूँ एक समय, तो नूडल से लेकर के मैं जो भी मैं बनाता हूँ उसका मैं स्वयं प्रयोग करता हूँ। जो मैं अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकता, मैं किसी के लिए नहीं देता। अक्सर क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर पैसे लेके ब्रांड को इंडोर्स करते हैं। आज बड़े बड़े हीरो हीरोइंस हैं, 5-10 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ रुपए लेते हैं एक एक ब्रांड को लॉन्च करने का। देश में आगे का लक्ष्य क्या है? देखिए, जो छोटे अभी, मतलब बिल्कुल गांव-गांव में, देखिए अभी हमारे करीब 5,000 सेंटर्स हैं, शायद आगे बढ़कर के 5 साल में ये 10,000 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो तहसील लेवल तक हमारी पहुँच हो जाएगी, आस पड़ोस के जो गांव हैं वो वहाँ पर आ सकेंगे, उनका लाभ ले सकेंगे। हमने कहा ना कि पतंजलि का प्रॉफिट 100% चैरिटी के लिए, हमारे 3 स्लोगन हैं। पतंजलि क्या है? वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस, और
प्रॉफिट से 100% चैरिटी। तो चैरिटी के हमारे तीन बड़े पार्ट हैं। एक तो हम हर एक ज़िले में एक एजुकेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, बनाएंगे हर ज़िले में। और हमारी कोशिश होगी करीब 70% जो है वो एजुकेशन की सेवा पर हम लोग खर्च करें, 20% जो है हम जड़ी बूटियों और देसी गाय पर अनुसंधान में खर्च करेंगे बजट, और फिर 10% पे और जिसने भी हमारे पुअर रिलीफ के सेक्टर्स हैं उसके ऊपर काम करना, और योग आयुर्वेद की सेवा जन जन तक पहुंचे इसके लिए हमारे लाखों वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, हजारों वैद्य काम कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ा करेंगे। आप स्वदेशी आंदोलन के समर्थक रहे हैं, स्वदेशी चीज़ों के समर्थक रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों का विरोध किए हैं, तो ये आज के दिन में मतलब कितना सार्थक दिख रहा है? ये पूरी, ये पहले भी सार्थक था, आज भी, और पूरी दुनिया के लिए सार्थक है। स्वदेशी क्या है? ये खाली एक देश का कोई, खाली भारत की बात नहीं है, स्वदेशी एक दर्शन है। तो व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ स्वदेशी? समग्र, स्थायी, विकेंद्रित, न्यायपूर्ण एवं सात्विक समृद्धि जिससे आए, वो उद्योग, वो व्यवसाय, वो आर्थिक गतिविधि स्वदेशी है। इस पूरी दुनिया के लिए है, ये केवल इंडिया के लिए नहीं है हमारा स्वदेशी का दर्शन। हमने नेपाल में शुरू किया था, हमने कहा नेपाल का प्रॉफिट हम हिंदुस्तान में लेके नहीं आएंगे, उसी देश की सेवा में लगाएंगे। गरीब मुल्कों से पैसा बाहर नहीं ले जाना चाहिए, ये तो अन्याय हो गया ना। समग्र, स्थायी, विकेंद्रित, न्यायपूर्ण और अहिंसक समृद्धि, तो ये बड़ा दर्शन है, इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए लोगों को। और ये पहले आज भी प्रासंगिक है, कल भी। इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत है सारी दुनिया की संपत्ति चंद लोगों की मुट्ठियों में कैद हो जाए, वो कुंडली मार के बैठे। तो सारी दुनिया की संपत्ति, यदि मान ली 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक तरफ है और 125 लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि पूरे हिंदुस्तान के पास नहीं, ये तो गलत है ना, उसका हम विरोध करते हैं। हम सामंतवाद, पूंजीवाद के खिलाफ है। ये बहुत ही इफेक्ट, बहुत ही साहसिक, ऐतिहासिक कदम है। इसके क्रियान्वयन को लेकर के समस्याएं हैं, लेकिन विनियमन का जो, ये जो नोटबंदी का ये जो निर्णय है, ये बहुत बड़ा है। इससे देश की इकोनॉमी चंडाइज होगी, आर्थिक अपराध रुकेंगे, नक्सलवाद, आतंकवाद की फंडिंग बंद होगी। मतलब जो सारी शक्तियों का मूल है अर्थशक्ति, और अर्थ जब अनियंत्रित हो जाता है तो अनर्थ होता है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। लेकिन आप छोटे नोटों के समर्थक रहे हैं और 2000 के नोट, वो नहीं आना चाहिए, वो तो मैं तो आज भी उसका समर्थक नहीं हूँ। बड़े 2000 नोट का मैं आज भी समर्थक नहीं हूँ। देखिए, मोदी जी के जितने भी स्कीम्स हैं वो वोट बैंक बनाने वाली नहीं, देश बनाने वाली है, देश बनाने वाली स्कीम है। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया है, चाहे स्किल इंडिया है, चाहे क्लीन इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, जितने भी अभियान चलाए हैं, दरअसल वो एक बड़े सोच के साथ चलाए गए हैं। और राजनीति में लोगों को आदत क्या पड़ी है कि जो निर्णय ले सरकार उसका तुरंत हमको रिजल्ट आना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई कुछ अच्छे बीज बो जिससे कि आगे राष्ट्र की चारों ओर से उसके परिणाम आए। तो ये कुछ तात्कालिक योजनाएं हैं, कुछ दीर्घकालिक, जैसे जनधन योजना है, ये भी देश के गरीबों को सब्सिडी सीधे उनके खाते में डालना, बीज की बिचौलियों को ख़त्म करना, मतलब जितने भी योजनाएं हैं वो वास्तव में देश बनाने वाली हैं, उनके क्रियान्वयन। अब जैसे नोटबंदी के क्रियान्वयन को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं आई, उसमें कुछ बैंक के अधिकारियों ने, कुछ आरबीआई के अधिकारियों ने, आगे टैक्सेशन के अधिकारियों को भी, तीन लोगों को इसमें संभालना पड़ेगा, बैंक्स, आरबीआई और टैक्सेशन, ये तीन डिपार्टमेंट यदि ठीक रहे तो ये अभियान सफल हो जाएगा। 85% देश के आंतरिक अर्थव्यवस्था में काला धन है, 10-15% ही बाहर गया है, तो अंदर का काला धन तो नियंत्रित होगा इससे। मैंने कहा तीन संस्थाएं साथ दें तो अन्ना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, तो जिन वजहों से अन्ना आंदोलन करना पड़ा उनमें क्या सुधार हुआ है? भ्रष्टाचार को लेकर के अन्ना आंदोलन हुआ तो उसमें क्या कमी आई है उस आंदोलन के बाद? देखिए, ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, मोदी जी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आंदोलन किसी मुद्दे को उभारने के लिए होता है,
उस मुद्दे को जमीन पर उतारने के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। आंदोलन तो 10 दिन में खड़ा हो जाता है, काम करने के लिए 10 साल लगते हैं। इसमें संतों और जो गुरुओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, हमारी भूमिका है जो भी देश में रचनात्मक कार्य हो रहे हैं उसमें सहयोग करना। हम सहयोग कर रहे हैं, हमने मोदी जी का किसी भी बात के लिए विरोध नहीं किया, ये हमारी भूमिका है। मोदी जी जो देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, या और भी जो भी इस देश के लिए पॉलिटिशियन जितने भी हैं, कोई भी देश बनाने के लिए काम करेगा हम उसका साथ देंगे। चाहे किसी भी दल के। हाँ आपके लगभग सारे दल नहीं, लेकिन ज़्यादातर दलों के नेताओं के साथ आपके अच्छे संबंध रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि राजनीति में सुस्तता होनी चाहिए, वो है अच्छे लोगों को आना चाहिए। आप बाबा कभी नहीं नहीं, सोचते मैंने बोला है, हम कभी राजनीतिक पार्टी बनाना प्रश्न ही नहीं है। स्वयं राजनीति में भागीदारी हमारी जिंदगी का ना कभी सपना था, ना आज है, ना कल होगा। हम योगस्थ रह के, तटस्थ रह करके मूल धर्म अपना योग धर्म निभाएंगे, और आपद धर्म के रूप में हमारे लिए राष्ट्र धर्म है कि भाई देश के लिए कोई संकट आता है तो फिर देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए बीच में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आया और उसमें हमने लोगों को जागरूक किया, लोगों को लामबंद किया। बाकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, देश हमारी एम्बिशन है। देश में? बहुत सारे, ज़्यादातर लोग कोई आपको योग गुरु मानते हैं, कोई सन्यासी मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं। इन सब में आप किनके करीब ज़्यादा पाते हैं? देखिए, मैंने क्योंकि कहा आपको मैं मानने वाले बहुत सारे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रूप में मानते हैं। नहीं, ऐसा देखो, ये भगवान का ये क्रिएशन ही ऐसा है सृष्टि में, और उसमें इंसान ऐसा है कि जिसके बहुआयामी व्यक्तित्व होता है। भगवान के लिए ने कहा कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, तो हम तो एक सत्य के अनेक रूपों में उपासक हैं। मूलतः मैं योगी हूँ, कर्मयोगी हूँ, और इस राष्ट्र के लिए उपयोगी हूँ, बस इतना जानता हूँ। बाकी तो लोग जिसका जितना विवेक है उतनी बातें करेंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं योगी हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ और निष्काम कर्मयोगी हूँ। मैं योगी, एक निष्काम कर्मयोगी, और इस राष्ट्र के लिए उपयोगी हूँ, बस इतना जानता हूँ। ऐसे देखो, ये कोई कहता है मिसलीडिंग है, कोई कहता है फलाना है, ये वो, तेरे से क्या है। अब जैसे 2012 से हमारे ऊपर करीब 1,000 मुकदमे किए गए। अब उसमें, अब जैसे यहाँ उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है, अब एक SDM से आपको, एक मुख्यमंत्री जब बोलेगा उसके क्या मजाल को, एक SDM से आदेश करा दिया कि मिसलीडिंग था, प्रोडक्ट नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ जो मैटर था वो मिसलीडिंग था। क्या मिसलीडिंग था भाई, हमने उस पर आरोग्य लिख दिया था ऐसी। तो ये सब बकवास बातें, हम हाईकोर्ट में जाएंगे तो कहीं नहीं टिक पाएंगे। तो आप सत्ता का दुरुपयोग करके आप कुछ भी लिखवा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम सवाल एक और है कि देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक बदलाव के लिए क्या किया जाना चाहिए आपकी सब नज़र बदलावों का मूल है शिक्षा में बदलाव, और हम एक भारतीय शिक्षा बोर्ड इस देश में जल्दी बने उसके लिए सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है। हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्दी भारतीय शिक्षा बोर्ड को गवर्नमेंट से एफिलिएशन मिल जाएगा, और ये शिक्षा की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन का कदम होगा। और सारी व्यवस्था परिवर्तन की जो जड़ है वो शिक्षा में परिवर्तन है। शिक्षा और संस्कार जब इस देश के बदलेंगे तो विचार बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे, मान्यताएं बदलेंगी, विचारधाराएं बदलेंगी, दिव्यता आएगी, माने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से इस देश में एक कहते हैं ना डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है रिफॉर्म, एक होता है चेंज, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिफॉर्म चेंज से बड़ा है ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक, नमस्ते। हम आह्वान करते हैं कि सब लोग स्वदेशी को अपनाएं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, ये रॉयल्टी के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पर हर वर्ष हजारों लाखों करोड़ रुपए देश का, हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश का बाहर लेकर के जाती है। और पतंजलि का संकल्प है कि देश का पैसा देश में रहे और 100% देश की सेवा में। तो सब स्वदेशी का व्रत लें, और इस ये पतंजलि किसी व्यक्ति का ब्रांड नहीं है, ये देश का 125 करोड़ लोगों का ब्रांड है। तो हम चाहते हैं कि इस देश में आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक आज़ादी आए, एक बात। अब
ये तो सबको पता है। हिंदुस्तान में आपको यदि विदेशी और देशी दर्शन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते पता लग जाएगा। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश से कमाया और सारा बाहर लेके गई दौलत, तो वही काम आज चल रहा है। रॉयल्टी और प्रॉफिट का सारा पैसा रॉयल्टी के नाम पर और प्रॉफिट के नाम पर विदेश में जा रहा है। रॉयल्टी के नाम पर कितना पैसा जाता है, किस बात की रॉयल्टी भाई? वो कंपनी यहाँ कमा रही है, यहाँ मतलब दो तरह से प्रॉफिट बाहर लेके जाते हैं, एक रॉयल्टी के नाम पर और एक प्रॉफिट के नाम पर। यहाँ देश के लिए क्या करते हैं? CSR 1-2%। बोले हिंदुस्तानियों को मतलब ये विदेशी कंपनियां ऐसा समझती हैं कि बस इनको 1-2% के टुकड़े डाल दो और लूटो। उसमें भी कितनी सत्यता है पता नहीं और अभी। CSR फंड में भी कितने कितने फंडे अपनाते हैं, माने उसको किस तरह से घुमाते हैं उसको, और उसमें भी जो है कितनी सेवा करते हैं सबके पता है। जबकि पतंजलि का मतलब एक खुला सत्य है, ओपन सीक्रेट है कि स्वामी रामदेव अनपेड ब्रांड एम्बेसडर, आचार्य भागचंद जी अनपेड CEO MD और शेयर होल्डर हैं। 1 रुपए की सैलरी नहीं, 1 रुपए का कोई डिविडेंड नहीं। पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा 100% चैरिटी के लिए होगा। उसमें हम मैक्सिमम पैसा खर्च करेंगे एजुकेशन पर, दूसरा योग आयुर्वेद इसकी रिसर्च पर, जड़ी और खास करके देसी गाय की नस्ल की रिसर्च पर, बाकी बच गए जो पोर रिलीफ के दूसरे हमारे काम। तो एक दर्शन ऐसा है कि ये पतंजलि मतलब किसी व्यक्ति का ब्रांड नहीं है, पतंजलि 125 करोड़ लोगों का ब्रांड है। क्योंकि ये जो कुछ करेगा पतंजलि वो 125 करोड़ लोगों के लिए करेगा, क्योंकि पतंजलि का कोई ना तो शेयर धारक कोई व्यापारी है और ना भविष्य में कोई इसका उत्तराधिकारी कोई व्यापारी होगा। मतलब एक अलग ये ट्रस्टीशिप, निष्काम सेवा, ये नाम सुनते रहते थे हम लोग, किसी ने जमीन पर उसको उतारा नहीं। हमने स्वदेशी की फिलॉसफी को, ट्रस्टीशिप की फिलॉसफी को और निष्काम सेवा की फिलॉसफी को जमीन पर उतारा है। लास्ट फिगर आपका आया था 5,000 करोड़ एज ऑन मार्च 2016। देखिए हमने पिछली बार कहा था 5,000 करोड़ किया हमने, इस बार का लक्ष्य हमारा 10,000 करोड़ का है। अगर हर साल 100 से 200% के बीच में ग्रोथ रेट रहेगी, जबकि जितनी भी MNCs हैं उनकी ग्रोथ रेट 2 से 3% पर सिमट गई है पूरे वर्ल्ड की, केवल हिंदुस्तान की नहीं। और अब बहुतों का तो डिग्रोथ चालू हो गया है, पतन चालू हो गया है उनका। और जो हमने कहा था कि कोलगेट के गेट बंद होंगे तो वो बंद होने शुरू हो चुके हैं, अब फाटक जो है थोड़ा सा खुला हुआ है। नेस्ले की चिड़िया उड़ेगी तो घोंसला छोड़ के अब उड़ान भर चुकी है, अब वो मतलब हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा इसमें उसको। रूरल मार्केट का काफी योगदान तो रूरल में भी हम लोग काफ़ी पेनिट्रेट कर रहे हैं, है। और हमने जो अपने तहसील के जो वितरक हैं सप्लाई चेन में उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ा रहे हैं। ज्यादा बढ़ रहा है। ये रूरल एरियाज में डिमोनेटाइजेशन की वजह से तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्योंकि वहाँ कैश ही ट्रांजैक्शन है सारा। थोड़ा असर तो होगा। क्योंकि और अर्बन ये एरियाज में तो ऐसा पता देखो, नहीं। ये एक कहते हैं ना, ये एक तात्कालिक असर है, ये कोई जो है दीर्घकालिक कोई इफेक्ट नहीं है। बट जेटली जी ने 6 महीने का बोला है मिनिमम। पूरी पूरी इकोनॉमी को चैनलाइज करना, ये कोई, और 125 करोड़ का देश, अब उसमें थोड़ा वक्त तो अपेक्षित है। ये जो अभी फाइन हुआ था इसको चैलेंज कर दिया पतंजलि ने हाँ किया अभी क्या है। क्या, अभी 2012 में कहा कि आपका लेबल जो है ना गड़बड़ था, मिस ब्रांडिंग का मिस हुआ ब्रांडिंग है। अरे हमारी ब्रांडिंग जो है, हम जो लिखते हैं ताल ठोक के लिखते हैं, सच सच लिखते हैं। और 2012 में यूपीए की गवर्नमेंट ने केस किया, अभी यहाँ कांग्रेस की सरकार है, एक SDM को धमका करके आपने ऑर्डर करवा दिया। किसी चीज़ में करवा लो आप, ऐसे ऑर्डर 1,000 पास करते हैं, हम गांठते ही नहीं इनको। आपका एक बड़ा प्रिय वो था वैदिक एजुकेशन बोर्ड का, उसका कुछ प्रगति है। भारतीय एजुकेशन बोर्ड जो है उसका हमने नाम कर दिया है, अच्छा। और वो भारतीय एजुकेशन बोर्ड, मैं ऐसा मानता हूँ कि सारी व्यवस्था में परिवर्तन शिक्षा में परिवर्तन से होगा। तो श्रेष्ठतम वैदिक शिक्षा, भारतीय शिक्षा, और श्रेष्ठतम संस्कारों की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, ये चीज़ जब दोनों साथ साथ होंगे तो अच्छा आदमी भी बनेगा और वो नॉलेजफुल और स्किलफुल आदमी भी बनेगा, एक वर्ल्ड सिटीजन बनेगा। तो हम वर्ल्ड सिटीजन बनाने वाली शिक्षा पर काम कर रहे हैं, इसमें सफलता मिलेगी। भारत स्वाभिमान आंदोलन अभी कितना एक्टिव है आजकल?
नहीं, हमारा आंदोलन योग आयुर्वेद और स्वदेशी के दर्शन पर आधारित है, तो वो तो सार्वभौमिक है, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि योग आयुर्वेद ये सार्व मतलब हमेशा जब तक इस धरती पर मानव का अस्तित्व रहेगा तब तक इन ये सत्य हैं, प्राकृतिक सत्य हैं। और तीसरा उसका मूल मुद्दा है स्वदेशी का, स्वदेशी एक बड़ा दर्शन है, स्वदेशी भाषा भूषा भेष भजन भोजन भाव संस्कृति, इतना बड़ा मुद्दा है। स्वदेशी मात्र एक वस्तु नहीं, एक विचार है, एक सिद्धांत है, एक दर्शन है। और दर्शन क्या है? समग्र स्थायी विकेंद्रित न्यायपूर्ण और अहिंसक दिव्य समृद्धि, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी पर आधारित जो भी गतिविधियां हैं वो स्वदेशी के दर्शन के अंतर्गत आती हैं। तो स्वदेशी हमारे लिए एक बहुत ऊंची विकास की अवधारणा है। ये खाली एक देशीय नहीं है, ये सर्वदेशीय है, यूनिवर्सल। स्वाभिमान से एक चीज और जुड़ी जाती है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसको लेके क्या हम लोग काफी कर रहे हैं, या कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं? देखिए, हर बार ठेस लगती है स्वाभिमान पे अपने। यद्यपि सीमाओं पर संघर्ष पूरी दुनिया में रहता है, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही है, और उसमें थोड़ा भारत लिबरल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को ये लिबरल वाली नीति, माने पहले पाकिस्तान अटैक करता बाद में हम जवाब देते हैं, जी इसको छोड़ करके हमें आक्रामक होना चाहिए। जवाबी कार्रवाई के बजाय हम हर समय कहते हैं कि जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो हमें अग्रेसिव होने का मतलब है कि हम जो है ना प्रोटेक्शन की मुद्रा में नहीं रहना चाहिए, अटैक की मुद्रा में होना चाहिए। संदेश गलत जाता है। जितने भी आतंकवादी कैंप उनको ध्वस्त कर दो, क्या दिक्कत है? अभी आपने ये थोड़ा समय की बात करी थी, पर अभी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, करप्ट ऑफिशियल्स, बैंकर्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और पीपल इन जनरल, एक एटीट्यूड ही कुछ ऐसा हो गया है कि करप्शन के साथ हम बड़े घुल मिल के रहते हैं। उसमें ये जो 6 महीने का भी समय दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन लोग के ऊपर भी थोड़ा अंकुश लगना शुरू हो सख्ती से, तो ही जाके ये मुहिम जो है ब्लैक मनी की कुछ रंग लाएगी। अदरवाइज तो वही का वही घूम फिर के वही बेईमान लोग। चार पार्ट हैं इसके नोटबंदी के आगे कामयाबी के। एक, बैंक जो है वो पारदर्शिता दिखाएं और जवाबदेही के साथ, माने रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और उसमें इफेक्टिवली अग्रेसिवली काम करना, एक। दूसरा पार्ट है आरबीआई। आरबीआई को अब जितने भी नोट आए इनमें से नकली तो नहीं ले लिए लोगों ने, डबल करेंसी तो कहीं से उसी नंबर की छप करके नहीं आ गई, तो तरह की बड़ा, ये बड़ा मुद्दा है, आरबीआई की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तीसरी, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, गरीब को सताए नहीं, माने आम जो मेहनत करके जिसने कमाया उसको छेड़े नहीं, और जो बेईमान है उसको छोड़े नहीं। अब इसको ये बड़ा, बहुत बड़ा उसके लिए मुद्दा होगा। और चौथी बात है कि पब्लिक भी सपोर्ट करे, मीन्स जो भी डिजिटलाइजेशन है उसमें पब्लिक को सपोर्ट करना होगा। ये चार चीज़ें होंगी तो ये ठीक हो जाएगा। शांति से है पब्लिक अभी तक तो देखिए नहीं, कहीं ना आगे कुछ। क्योंकि हमें लेन देन में डिजिटलाइजेशन पर जाना है, तो उसमें थोड़ा सा अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। अब ये पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग पर टैक्स, या उनको आरटीआई के दायरे में लाना, कुछ भी एक बड़े लंबे वक्त से चल रहा है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर बड़ी पार्टियों को पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ पार्टियों को इसमें पहल करके बोलना चाहिए कि भाई हम इसका समर्थन करते क्योंकि अब वही क्योंकि आरबीआई हैं। अब मेरे आपके कहने से तो होगा नहीं, तो उनको पहल करना ही चाहिए। होगा तो जरूर, ऐसी बात नहीं है, मुहिम बनती है, लोग नहीं बोलते कहने में, देखो हमारे कहने से आवाज उठती है, और उस आवाज को जैसे कहते हैं ना, जमीन पर उतारने का काम उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। जी, अभी सब पता लग गया है कि ये चैलेंजेस हैं, तो इसके लिए एक एक पॉलिसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब और अब इतना पैसा आ गया, अब तो ब्याज दर भी घटा देनी चाहिए। आपके पास इतनी बड़ी मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सभी लोग के मन में वही होता होगा कि रोज कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहता है, और ऐसा नहीं है, तकलीफ तो आती है। अब हमारा ये सपना आगे का कि हम 5 साल में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दें,
और करीब 5 करोड़ किसानों को सीधे अपने साथ जोड़े और इन विदेशी कंपनियों की जड़ें उखाड़ते रहे, जिससे कि देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में रहे। आपका वो 10 लाख का तो टारगेट फिक्स है, 1 लाख करोड़ का, 1/3 ऑफ दी एफएमसीजी मार्केट। ओ पूरा करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे। हमारा पूरा पूरा का पूरा जो है सीएसआर तो हमारे लिए छोटा शब्द है, हमारी पूरी की पूरी कंपनी चैरिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी एजुकेशन में ज्यादा सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, दिस इज आवर फिलोसफी। और ये मैंने कहा बड़े जन का ट्रस्टीशिप, निष्काम सेवा, चैरिटी, ये सब सुनते रहते थे। हमने उनको 100% जमीन पर उतारा है।